यूपी के अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा सामने आया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद असलम ने बच्ची के परिवार से बदला लेने के लिए मासूम की हत्या की थी। एसआईटी जांच के सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हत्याकांड में एक और आरोपी मेहंदी और जाहिद की पत्नी ने हत्या करने में आरोपियों की काफी हद तक मदद की। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को अब हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो बच्ची की लाश असलम के घर में भूसे में रखी गई थी, लेकिन पुलिस को शक है कि लाश को नमी वाली जगह पर या फिर फ्रिज में रखा गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची 30 मई को पड़ोस के ही घर में खेल रही थी और वो भाई बहन के साथ 8:30 बजे घर से निकली, लेकिन गलत दिशा में चली गई और आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। अलीगढ़ के एसएसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में शनिवार को दो और आरोपियों को हिरासत में लिया। इसमें जाहिद का छोटा भाई मेहंदी और उसकी पत्नी शामिल है। बच्ची की लाश को जिस दुपट्टे से लपेटा गया वो जाहिद की पत्नी का ही है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इन सभी आरोपियों से पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गहनता से पूछताछ में जुटी है।